वेलकम टू स्टेप अप आईए, स्वागत है आप सभी लोगों का द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 12 जुलाई 2018, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कैसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये आर्टिकल एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सेंटर में जो आर्टिकल आप देख रहे हैं ये मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल यूँ तो मुंबई के फ्लड्स के बारे में है, बट बातें बहुत स्पेसिफिक की गई हैं, तो आप इस टॉपिक को, इस आर्टिकल को एलिमिनेट कर दीजिए। ये आर्टिकल देखिए, अभी जो एक पावर टेस्ट चल रहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व कर दिया है, लेकिन सर्विसेज के इश्यूज़ पर अभी भी कई तरीके के ओपिनियन निकल के आ रहे हैं, तो एक पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे हम डिस्कस करेंगे। इस पेज पर देखिए, ये आर्टिकल पंजाब में ड्रग प्रॉब्लम से संबंधित है, महत्वपूर्ण आर्टिकल है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल UGC और HECI के बारे में है, और इस संबंध में आर्टिकल एक सुपर रेगुलेटर को एडवोकेट करता है। तो यूं तो हमने कई सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन एक डायमेंशन इसमें नया है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बातें फाउंडेशन बैचेस के बारे में है, नई बैचेस अनाउंस हैं। इंग्लिश मीडियम में ये बैच आज से स्टार्ट होने वाली है विद द इंटरनल सिक्योरिटी बाय RP सिंह, जबकि हिंदी माध्यम में ये बैच आंतरिक सुरक्षा से 16 जुलाई 2018 से स्टार्ट होने वाली है। तो जो कोई भी इन बैचेस के बारे में जानकारी चाहते हैं डिटेल में, वो इन नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे। बाकी ये बातें ऑनलाइन पर्सनल गाइडेंस के बारे में है, जिसके बारे में आप ऑलरेडी अवेयर हैं। आप एक एक्सपीरियंस कोच के सुपरविजन में अपनी तैयारी करते हैं, इंटेंस राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट भी करवाया जाता है, प्रिलिम्स और मीन्स की टेस्ट सीरीज आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा होती है। बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए अगेन इन नंबर्स पे कांटेक्ट किया जा सकता है। आइए देखते हैं ऐसे राइटिंग में आज हमारे पास क्या है। महात्मा गांधी जी का एक स्टेटमेंट हमारे सामने है, पब्लिक ओपिनियन अलोन कैन कीप अ सोसाइटी प्योर एंड हेल्दी। मतलब अगर पब्लिक ओपिनियन किसी संबंध में बेहतर है तो सोसाइटी को प्योर और हेल्दी बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप LGBT कम्युनिटी के बारे में ही चर्चा कर ले, तो अगर पब्लिक ओपिनियन ऐसा कहता है कि नहीं, उन्हें अधिकार मिलने चाहिए और उन्हें प्रोसिक्यूट नहीं किया जाना चाहिए, तो हम अपनी सोसाइटी को उनको अधिकार देकर हेल्दी बना सकते हैं। फैक्ट यहाँ पर एयर पोल्यूशन के बारे में है, एयर पोल्यूशन से संपत्ति और जीवन दोनों का नुकसान होता है। एयर पोल्यूशन चौथा लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर है प्री मेच्योर डेथ के लिए, कॉजिंग 1 in 10 डेथ्स ग्लोबली। दुनिया में जो 10 मौतें होती हैं उनमें से एक मौत एयर पोल्यूशन की वजह से होती है, तो बहुत ही गंभीर समस्या है एयर पोल्यूशन हमारे समाज के लिए। अब आइए पहला आर्टिकल देखते हैं, अननेचुरल सेक्शन, पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए, मैकेनिज्म, लॉज, इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट ने अभी ये साफ कर दिया है कि वो सेक्शन 377 के संबंध में कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। जुडिशरी को ये डिसाइड करना होगा कि वो LGBT कम्युनिटी के लोगों को अधिकार देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, LGBT से हमारा मतलब लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर से है। ठीक है, देखिए आर्टिकल में क्या बातें बताई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी एक पटिशन को सुन रहा है जिसमें सेक्शन 377 जो इंडियन पीनल कोड का है उसको चैलेंज किया गया है। सेक्शन 377 IPC का अननेचुरल ऑफेंस के तौर पे सेक्सुअल एक्ट जो कि ट्रांसजेंडर्स के बीच में होता है उसे नेचुरल ऑर्डर के अगेंस्ट मानते हुए क्रिमिनलाइज करता है। दूसरे दिन की हियरिंग होने वाली है, उसके पहले जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने ये साफ किया है कि सरकार इस पूरे क्लॉज की वैलिडिटी को एंटायरली कोर्ट के हाथों में छोड़ देती है। सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जो एक हिस्टोरिक रॉन्ग है उसे सही करें और LGBT कम्युनिटी के लोगों को अधिकार दे दिए जाएँ। देखिए 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस AP शाह और S मुरलीधर के द्वारा एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया था जिसमें सेक्शन 377 को आर्टिकल 14, 15 और 21 का वायलेशन मानते हुए नल एंड वाइड कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जब एक पेटिशन को इस संबंध में सुना तो उन्होंने हाई कोर्ट के उस जजमेंट को रद्द कर दिया और ये कह दिया कि सेक्शन 377 की जो वैलिडिटी है वो पार्लियामेंट के अंदर आती है, उनके डोमेन में आती है, वो ये डिसाइड करें कि सेक्शन 377 को वैलिड करना है या फिर नहीं करना है। देखिए एक बात तो साफ है, माइनॉरिटीज़ के राइट्स का जो सोल गार्जियन है हम सुप्रीम कोर्ट को ही कह सकते हैं और LGBT कम्युनिटी के संबंध में ही सुप्रीम कोर्ट को ही डिसीजन लेना चाहिए, बिकॉज पार्लियामेंट में तो जो मेजोरिटी का ओपिनियन होता है वही प्रिवेल करता है। सेक्शन 377 सही है या गलत है, इसे लीगल तौर पर ही एड्रेस किया जाना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ने अपने एफिडेविट में ये भी अर्ज किया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को थोड़ा सा लिमिट करे, वो केवल इस बात पर अपना डिसीजन दें कि इसे क्रिमिनलाइज अथवा डीक्रिमिनलाइज किया जाए या ना किया जाए। ठीक है, बाकी जो अन्य अधिकार हैं जैसे कि सिविल यूनियन बनाने का अधिकार,
प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का अधिकार इसके संबंध में पार्लियामेंट लॉ बना लेगी। लेकिन सेक्शन 377 के संबंध में अगर आप बात करें तो अभी जो लास्ट ईयर प्राइवेसी के संबंध में जजमेंट आया था सेक्शन 377 तो उसके बाद ही वैलिड हो गया था, क्योंकि उस जजमेंट में ये साफ कर दिया गया था कि सेक्सुअलिटी जो है वो एक प्राइवेट इशू है और उसे फंडामेंटल राइट भी डिक्लेयर कर दिया गया था। इसका मतलब कि ये अधिकार एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों के पास भी हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखें तो एलजीबीटी कम्युनिटी के जो अधिकार हैं एक्चुअली में वो उन्हें मिल चुके हैं और सेक्शन 377 का आपको औचित्य रह नहीं गया है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक जो कोर इशू होगा डिस्कस करने का वो ये होगा कि उनके पास पेरेंटिंग राइट होना हो, एडॉप्शन का बच्चों का राइट होना हो, हाउसिंग, मिलिट्री सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, इनहेरिटेंस, इस संबंध में उनके पास क्या अधिकार होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट को गहन विचार करना चाहिए। ठीक है, देखिए कंक्लूजन में ये कहा गया है कि जो प्रेजेंट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं उन्होंने तो अभी यही कहा है कि वो इस बात को फोकस करेंगे कि क्या सेक्शन 377 को अगर हम लेजिटिमाइट करते हैं तो किस तरीके से उसका कन्वर्जेंस हम कर सकते हैं फंडामेंटल राइट के साथ। देखिए अभी इंडिया को उन देशों के साथ क्लब किया जाता है लाइक सऊदी अरेबिया, सोमालिया, जहां पर सेम सेक्स रिलेशनशिप जो है वो क्रिमिनलाइज की गई है। ये काफ़ी सेमफुल है इंडिया के लिए। एक बात मैं आपको और बताता हूँ जो आर्टिकल में एब्सेंट है, नेपाल ने अभी अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जहाँ पर एलजीबीटी कम्युनिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए गए हैं जबकि इंडिया में ये अधिकार नहीं है। तो ये वास्तव में इंडिया के लिए सेमफुल है, तो हमें इस पर जल्दी जल्दी काम कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर्टिकल समाप्त होता है। अगला आर्टिकल हम देखते हैं मैटरनिटी बेनिफिट और जॉब्स, पेपर वन से टॉपिक को जोड़िए, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में। ठीक है, देखिए एक कंटेक्स्ट यहाँ पर यह है कि टीम लिज जो कि एक लीडिंग रिक्रूटमेंट ऑनलाइन जॉब पोर्टल है, उन्होंने 300 एम्प्लॉयर्स को लिया पूरे 10 सेक्टर्स में और एक सर्वे कंडक्ट करवाया। तो सभी एम्प्लॉयर्स ने देखिए दो सेक्टर को छोड़ के आईटी और ई कॉमर्स को ये निगेटिवली रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने बोला कि मैटरनिटी बेनिफिट लॉ के इम्प्लीमेंट होने के बाद अब वो कतराते हैं ऐसी महिलाओं को जॉब देने से जो यंग हैं या फिर जिनके बारे में उन्हें ऐसा लगता है कि वो माँ बन सकती हैं, क्योंकि उन्हें बाद में मैटरनिटी बेनिफिट देना पड़ जाएगा। इसके संबंध में देखिए सर्वे ये भी बताता है कि 2018-19 में 11 से 18 लाख जॉब लॉस होगा वुमेन के लिए, और सारी ये तो केवल 10 सेक्टर की बात हो रही है, सारे सेक्टर्स की बात करें तो ये जॉब लॉस 1.2 करोड़ का हो सकता है। हालांकि आप इस डेटा पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, बट एक बात ऐसी है जिस पर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, वो ये है कि मैटरनिटी बेनिफिट इंप्लीमेंट होने के बाद अब एम्प्लॉयर्स कतरा रहे हैं महिलाओं को जॉब देने से। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि गवर्नमेंट ने एफर्ट किया कि मैटरनिटी लीव को और बेहतर बनाया जाए फॉर्मल सेक्टर के लिए और महिलाओं को बेनिफिट पहुंचाया जाए, लेकिन इसका नुकसान हुआ है, एम्प्लॉयर्स अब जॉब देने को तैयार नहीं है महिलाओं को, और ये भी फॉर्मल सेक्टर में है, इनफॉर्मल सेक्टर में उन्हें कैसे बेनिफिट पहुंचाया जाएगा इसके बारे में कोई प्रावधान हमारे पास नहीं है। मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 पास किया गया जिसके तहत महिलाओं को 12 हफ्ते की बजाय 26 हफ्ते का मैटरनिटी लीव दिए जाने की बात कर दी गई, जिसमें से 8 हफ्ते की लीव वो प्री डिलीवरी ले सकती हैं। ऐसा कोई भी एंटरप्राइज जहां पर 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वहां पर कंपलसरी क्रच फैसिलिटी होनी चाहिए। क्रच मतलब एक जगह होती है पालने जैसा जहां पर बच्चों को रखा जा सके, और महिलाओं को यह अधिकार होगा कि वो दिन में 4 बार बच्चों की विजिट भी कर पाएंगी क्रच के पास जाके। ठीक है, मुद्दा ये है कि जो कुछ भी खर्चा आएगा वो एम्प्लॉयर को बेयर करना पड़ेगा। देखिए यूके की एक लॉ फर्म है स्लेटर एंड गॉर्डन, उन्होंने 500 मैनेजर्स से 2013 में सर्वे किया था जिसमें से 1/3 ने ये एडमिट किया कि वो यंग मैन के कंपैरिजन में यंग वुमेन को जॉब नहीं देना चाहती क्योंकि उनके संबंध में उन्हें मैटरनिटी लीव देना पड़ जाता है। इसके अलावा एंड 40% वर वेरी ऑफ हायरिंग वुमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, और 40% उनमें से ऐसे थे जो किसी भी ऐसी महिला को जॉब देने से कतराते थे जिनके बारे में उन्हें ऐसा लगता था कि वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं या आने वाले समय में वो बच्चे को जन्म दे सकती हैं। ऐसी ही कुछ सिचुएशन इंडिया में भी है। इंडिया में देखिए 6.5% जो वुमेन हैं वो फॉर्मल सेक्टर में जॉब करती हैं, ये वैसे भी काफ़ी कम है। इसके अलावा अगर मैटरनिटी लीव के चलते उन्हें जॉब ना दी जाए तो सिचुएशन और भी ज़्यादा डिजास्ट्रस हो सकती है। ठीक है, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन इंडिया में वैसे ही काफ़ी कम है, ख़राब है, क्योंकि जॉब भी बहुत कम है। फर्दर अगर ये डिक्लाइन होता है तो बहुत समस्या बढ़ जाएगी और ये हमारे लिए अनअफोर्डेबल है। इसके लिए हमें जेंडर बैलेंस्ड मेजर्स अपनाने की ज़रूरत है। कौन से मेजर्स हम ले सकते हैं, ये बात करते हैं। पहला तो ये है कि चिल्ड्रन को वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले नहीं माना जाना चाहिए। 55% जो कंट्रीज़ हैं वो रिकग्नाइज करती हैं पैरेंटल लीव को भी, पैरेंटल लीव के संबंध में पैटर्निटी लीव की हम बात कर रहे हैं एक्चुअली में, वो पैटर्निटी लीव को भी रिकग्नाइज करते हैं। जैसे आइसलैंड की आप बात कर लीजिए, वहाँ पर 9 महीने का पैरेंटल लीव दिया जाता है, 3 महीने का वुमेन ले सकती है, 3 महीने का मेल ले सकता है,
और 3 महीने में दोनों शेयर कर सकते हैं अपने अपने एम्प्लॉयर से। तो हमें यही चाहिए कि हम दोनों की जिम्मेदारी माने बच्चों को, और मैटरनल लीव के साथ साथ पेरेंटल या पैटर्नल लीव का भी प्रावधान स्वीकार करें। दूसरा इशू कॉस्ट का है। अगर एम्प्लॉयर्स को खर्चा आएगा तो वो महिलाओं को हायर नहीं करेगा। 2018 के ILO रिपोर्ट में भी यही कहा गया था कि गवर्नमेंट को कम से कम 2/3 जो मैटर्निटी बेनिफिट का खर्चा आता है वो बियर करना चाहिए। देखिए, समस्या केवल इतनी सी नहीं है। आप जो लीव है या बेनिफिट्स है मैटर्निटी का, वो तो फॉर्मल सेक्टर में दे रहे हो ना। इनफॉर्मल सेक्टर में महिलाओं के लिए क्या किया जा रहा है? जो महिलाएं घरों पे काम करती हैं, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, फैमिली फार्म्स में काम करती हैं, कैजुअल वर्कर हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करती हैं, उनके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, 6,000 रुपये दिए जाते हैं मिनिमम बेनिफिट के तौर पर। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में भी कुछ प्रावधान हैं, लेकिन वो अच्छे से इम्प्लीमेंट भी नहीं किए जा पा रहे हैं। ठीक है, तो इस समस्या के लिए देखिए एक तीसरा मेजर बताया गया है कि फॉर्मल सेक्टर में भी देखिए, अगर आप बात करो तो ऐसा नहीं कि 6 महीने में बच्चे की केयर पूरी हो जाती है। 6 महीने के बाद भी बच्चे को माता या पिता की आवश्यकता होती है। तो अच्छा तो यही होगा कि आप अच्छे अच्छे क्रचेस का निर्माण करें पब्लिक डोमेन में, और चाइल्ड केयर सेंटर्स को स्टैब्लिश करें जहाँ पर महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ पाएं। देखिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज में न्यूट्रिशन के संबंध में या चाइल्ड केयर के संबंध में प्रावधान किए गए हैं 6 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए। बट उनके साथ दो दिक्कत है, एक तो क्वालिटी का, दूसरा कवरेज का। एक तो वहाँ पर बच्चों की अच्छी तरीके से देखभाल नहीं की जाती, इसलिए महिलाएं वहाँ बच्चों को छोड़ने से कतराती हैं। दूसरा, वो सुविधा हर जगह उपलब्ध भी नहीं है। अब देखिए, एग्जाम्पल में बताया गया है कि जापान में जब एक्सपेंशन किया गया चाइल्ड केयर सेंटर्स का, तो वहाँ पर वुमेन का वर्क पार्टिसिपेशन बढ़ गया। तो ऐसा ही कुछ हम इंडिया में भी कर सकते हैं। चौथी बात, कि फ्लेक्सिबल वर्क टाइम होना चाहिए। क्योंकि देखिए, टीम लीज रिपोर्ट में भी बताया गया कि IT सेक्टर या ई कॉमर्स सेक्टर ने जो कहा कि यहाँ मैटरनिटी बेनिफिट देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं, इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि उनके यहाँ वर्क टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वर्क फ्रॉम होम का भी प्रावधान वहाँ पर हो सकता है, इसीलिए उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो और सेक्टर्स में भी फ्लेक्सिबल वर्क टाइम का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है, वो भी दोनों ही जेंडर्स के लिए। तो ये कुछ मेजर्स हमने यहाँ पर देखे। कंक्लूजन में ये कहा गया है कि देखिए, मैटरनिटी बेनिफिट जो है उसके लिए हमें कंप्रिहेंसिव अप्रोच अपनाना होगा। वन साइडेड एक्ट से कुछ होगा नहीं, और मैटरनिटी बेनिफिट बैकफायर ना करे वुमेन की जॉब के संबंध में, इसीलिए हमें पैटर्निटी लीव को भी स्वीकार करना होगा। बच्चे जो होते हैं वो पब्लिक गुड होते हैं, वो सबकी जिम्मेदारी है, माता पिता और गवर्नमेंट की। तो हम सभी लोगों को इंक्लूसिव तरीके से इस समस्या के समाधान को निकालना चाहिए। क्वेश्चन आपके लिए है, द बेनिफिट्स अंडर मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट आर नोबल, बट फ्यू सर्वेज इंडिकेट बिकॉज ऑफ दीज बेनिफिट्स एम्प्लॉयर्स आर हेजिटेटिंग टू हायर वुमेन एम्प्लॉई दैट मे अल्टीमेटली रिड्यूस वुमेन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन मोर बैडली, सजेस्ट फ्यू मेजर्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। 200 शब्दों में बताइए। 4 मेजर्स तो आर्टिकल में ही हैं, एक दो और आपको रिकॉल हो जाए तो आप लिखिएगा। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं, अ नीडलेस कॉन्ट्रोवर्सी। पेपर 200 टॉपिक को जोड़िए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेक्शन से। सुप्रीम कोर्ट ने सर्विसेज वाले मुद्दे को क्लियर कर दिया है, फिर भी गलत तरीके से वेगनेस क्रिएट की जा रही है। आइए चर्चा करते हैं सर्विसेज के इश्यूज पर। जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है दिल्ली में वो नीडलेस है, ऐसा आर्टिकल का मानना है। तो आइए हम पूरा इशू जानते हैं। देखिए, 5 जजेस की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में, उसका सोल्यूशन क्या होगा। अब उसके बाद कुछ लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि जो जजमेंट अभी आया है वो सेमीफाइनल है, और सर्विसेज के मुद्दे पर स्पेसिफिक जजमेंट आएगा एक उससे छोटी बेंच के द्वारा। आर्टिकल कहता है कि देखिए, ये गलत बात है। आर्टिकल 141 में साफ किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिक्लेयर कर दिया है, वर्डिक्ट दिया है, वो सभी कोर्ट्स के ऊपर पूरी इंडिया में बाइंडिंग है। मतलब उसके बाद अगर उससे छोटी कोई बेंच जजमेंट देगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अगेंस्ट में वो जजमेंट नहीं दे सकती। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल 144 ये डिक्लेयर करता है कि सभी अथॉरिटीज़, वो चाहे सिविल हों, जुडिशियल हों, जो इंडिया की टेरिटरी में हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के एड के हिसाब से काम करना होगा। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि आर्टिकल 141 जो बात करता है वो केवल कोर्ट के संबंध में है और सरकारों के संबंध में नहीं है, सरकारों को भी उसे फॉलो करना होगा। देखिए, जो अभी लॉ डिक्लेयर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा, वो ना केवल दिल्ली सरकार के ऊपर बाइंडिंग है बल्कि यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर भी बाइंडिंग है। और आर्टिकल 144 चूंकि सभी अथॉरिटीज़ के ऊपर बाइंडिंग है, और ये कहता है कि सभी अथॉरिटीज़ को सुप्रीम कोर्ट के एड के हिसाब से काम करना है, तो इस संबंध में जो जजमेंट एपेक्स कोर्ट ने दिया है वो सभी को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने जैसा है। देखिए, 2 कंटेंशियस इशूज थे इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली वाले। पहला तो ये कि क्या अधिकार हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के और दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट के, और दूसरा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर किस हद तक
इलेक्टेड गवर्नमेंट से असहमत हो सकते हैं और मुद्दे को प्रेसिडेंट तक भेज सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि देखिए जो भी मुद्दे हैं स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में एक्सेप्ट पुलिस लैंड और पब्लिक ऑर्डर, इस पर दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट को पूरा अधिकार होगा। और ये भी साफ कर दिया है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो बाकी मुद्दों पर अपनी असहमति जता सकते हैं, लेकिन इन बाकी मुद्दों पर इलेक्टेड गवर्नमेंट को एलजी के कंकरेंस की ज़रूरत नहीं है। एट द सेम टाइम ये भी क्लियर किया गया कि हाँ उनके जो अधिकार हैं वो भी साफ कर दिया गया है। अब यहाँ पर दो बातें नोट डाउन करने वाली हैं। पहली तो ये कि सर्विसेज जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में या एलजी के अंडर में नहीं आते हैं। क्यों? अगर सुप्रीम कोर्ट को उनके अंडर में इसे रखना होता तो वो सुप्रीम जिसके पहले जो दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट था उसको खारिज नहीं करते, उस पर अपनी सहमति जताते। दूसरी बात कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उसमें किसी भी ऑफिशियल को पोस्ट करना, उसका ट्रांसफ़र करना, ये उसका हिस्सा होता है। और अगर कोई ऑफिशियल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको ट्रांसफ़र करने का अधिकार उनके पास होना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई स्पेसिफिक पोजीशन है तो उसके लिए वो कॉम्पिटेंट ऑफिसर को नियुक्त भी कर सकते हैं। इस संबंध में अगर गलत तरीके से वेगनेस क्रिएट की जाती है तो ये फैलेसियस आर्ग्यूमेंट होगा कि हाँ अभी दूसरी बेंच बैठेगी वो पूरा जजमेंट देगी, ये गलत बात है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अगला आर्टिकल स्मोक एंड एरर्स, पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए हेल्थ वाले सेक्शन से। देखिए पंजाब गवर्नमेंट का जो ड्रग मीनियंस है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, आइए चर्चा करते हैं। देखिए पंजाब पुलिस एक बार फिर से हीट फेस कर रही है, टेररिस्ट की वजह से नहीं बल्कि ड्रग की समस्या की वजह से। ओवरडोज की वजह से कई सारी डेथ्स सामने निकल के आ रही हैं पंजाब में, और लोगों का गुस्सा, लोगों की नाराज़गी पुलिस के प्रति है कि वो ड्रग की समस्या को डील नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस खुद ही इंडल्ज है ड्रग कार्टेल्स के साथ। देखिए जब भी ड्रग रिलेटेड डेथ्स की संख्या बढ़ती है तो पुलिस के खिलाफ भी एक्शन शुरू हो जाते हैं कि उनके ड्रग कार्टेल्स के साथ क्या संपर्क हैं। देखिए जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो उनका लिंक है, उसके बारे में तो अलग अलग जस्टिफिकेशन दिया जा सकता है, लेकिन जो प्रॉब्लम है ड्रग की पंजाब में उसको अच्छी तरीके से डील किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ड्रग की समस्या पंजाब में काफ़ी बड़ी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस संबंध में सॉफ्ट अप्रोच नहीं अपना सकता, ये काफ़ी पॉलिटिकल और इमोटिव या इमोशनल इशू है पंजाब का। 2017 के असेंबली इलेक्शन में भी मुद्दा काफ़ी हाईलाइटेड रहा था, एक मूवी बनी थी उड़ता पंजाब, उसमें भी इस मुद्दे को काफ़ी अच्छी तरीके से हाईलाइट किया गया था। तो क्या मेजर्स लिए गए हैं पंजाब के द्वारा इस मुद्दे को डील करने के लिए? पहला तो प्रावधान किया गया है कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लाइज़ का मैंडेटरी ड्रग टेस्ट किया जाएगा। दूसरी बात, ड्रग पेडलर्स के लिए डेथ पेनल्टी का भी प्रावधान प्रपोज किया जा रहा है। तीसरी बात, काफ़ी क्रैकडाउन किया गया है ड्रग कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर पंजाब पुलिस के द्वारा। चौथी बात कि कुछ ऑफिशियल्स ने तो और आगे बढ़ के जो सिरिंज होती हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना उनके एक्सेस को भी बैन कर दिया है कि सिरिंज ही नहीं मिलेगी तो कोई कैसे इंजेक्ट करेगा ड्रग को अपनी बॉडी में। लेकिन देखिए कोई रिलायबल डेटा है नहीं कि जो आपने मेजर्स अपनाए हैं इसका क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे पास यही डेटा नहीं है कि ड्रग की प्रॉब्लम पंजाब में है कितनी बड़ी। अब ये जो समस्या है इसका स्कोप और साइज कितना है, और ये जो मेजर्स अपनाए गए हैं इनकी इफेक्टिवनेस कितनी होगी, ये अभी कहना तो प्रीमेच्योर होगा, मतलब हम नहीं कह सकते अभी कि हाँ कितना फ़ायदा कितना नुकसान हो रहा है। इसके अलावा आप सभी ऑफिशियल्स की मैंडेटरी टेस्टिंग कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिवली फिजिबल नहीं है और लीगली भी इस पर क्वेश्चन मार्क्स लगाए जा सकते हैं। देखिए सॉफ्टनेस तो नहीं अपनाई जा सकती, जो ड्रग की समस्या है उसके लिए पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके के अप्रोच अपनाए जाते हैं। कौन से अप्रोच हैं उन पर चर्चा करते हैं। पहला अप्रोच है फिलीपींस का, जहाँ पर जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं दुर्तेते, उन्होंने वहाँ के ऑफिशियल्स को कार्टे ब्लांसे दे दिया है, मतलब पूरा अधिकार दे दिया है कि वो ड्रग को जिस तरीके से चाहे समस्या को डील करें। रिजल्ट क्या निकला, लगभग 12,000 लोगों को मार गिराया गया 2016 के बाद पुलिस एनकाउंटर में। अब देखिए फ़ायदा नुकसान कितना हुआ ये तो पता नहीं, लेकिन लोगों ने दुर्तेते का विरोध करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से भी गलत है। दूसरा अप्रोच अमरीका का है, जहाँ पर ड्रग यूज़र्स और पेडलर्स दोनों के खिलाफ सख्त पनिशमेंट का प्रावधान है। इसके अलावा जो कंट्री सप्लाई करती हैं ड्रग का या प्रोडक्शन करती हैं उनके खिलाफ भी सख्त प्रावधान किए जाते हैं। अब इसके दो नुकसान हैं, बहुत सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया जाता है, दूसरा लगभग $50 बिलियन का हर साल खर्चा आता है। हमारे यहाँ ऑलरेडी जो जेल हैं वो भरे पड़े हैं, हम और लोगों को जेल में नहीं भर सकते। दूसरी बात कि हम इतना ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं कर सकते, ठीक है, जितना USA कर रहा है। तीसरा जो अप्रोच है दैट इज़ डीक्रिमिनलाइजेशन, ये अप्रोच कहता है कि जो रिक्रिएशनल यूज़र्स हैं, जो प्लेजर के लिए इस्तेमाल करते हैं
ड्रग्स का, हमें उस पूरे मुद्दे को डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, मतलब कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस उसे नहीं माना जाएगा। अब इसके भी दो अप्रोच हैं। पहला अप्रोच ये कहता है कि दोनों तरीके से आप इसको डीक्रिमिनलाइज कर दीजिए, मतलब ड्रग को बेचना और ख़रीदना दोनों फ्री होगा, आप खरीद सकते हैं, कोई भी पनिशमेंट नहीं होगी। दूसरा अप्रोच ये कहता है कि कंजम्पशन करना, ख़रीदना, इसके लिए तो पनिशमेंट नहीं होगी लेकिन बेचने पर होगी। अब अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग इस संबंध में प्रावधान हैं, ठीक है। हालांकि इसका भी क्या रिजल्ट निकलेगा ये तो हमें क्लियर कट नहीं पता है, बट फिर भी इंडियन कंटेक्स्ट में आप देखें तो तीसरा अप्रोच जो है वो ज़्यादा सूटेबल है। कल्चरल एटीट्यूड एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इंडिया में कहीं ना कहीं जो ये कंजम्पशन है मैरुआना या ओपियम का, उसे सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। पंजाब और राजस्थान में ओपियम के कंजम्पशन को काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मिली हुई है। देखिए, सच्चाई है कि जो सारे यूज़र्स होते हैं वो एडिक्ट नहीं होते, और ना ही सारे यूज़र्स अपने आप को, अपनी फैमिलीज को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि सारे अल्कोहल पीने वाले लोग अल्कोहलिक नहीं होते, तो हमारा जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें रिक्रिएशनल यूज़र्स और एडिक्ट को अलग अलग नहीं किया गया है। इस वजह से भी हमें एक फेल्योर देखने को मिलता है। कंक्लूजन में यही कहा गया है, देखिए हमें एक इंक्लूसिव अप्रोच अपनाना होगा ड्रग कंट्रोल के लिए, और जो तीसरा अप्रोच है वो काफ़ी बेहतर है, बिकॉज ग्लोबल कमीशन जो ड्रग पॉलिसी पे बनाया गया था, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण हस्तियां भी थी लाइक कोफी अन्नान, पॉल वॉल्कर, लेट आसमा जहांगीर, इन सभी लोगों ने एडवोकेट किया था कंप्लीट डीक्रिमिनलाइजेशन को। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अगला आर्टिकल देखते हैं, हु इज़ वॉचिंग द रेगुलेटर, पेपर 2 से टॉपिक को जोड़िए एजुकेशन वाले सेक्शन से। देखिए, UGC को अभी ख़त्म किया जा रहा है, आर्टिकल कहता है अच्छी बात है, बिकॉज UGC अपना काम अच्छे से कर नहीं पा रहा था। देखिए, HRD मिनिस्ट्री ने अभी हेकी लॉ को प्रपोज कर दिया है, एक्ट को प्रपोज किया है, जिसके तहत UGC को रिप्लेस कर दिया जाएगा हेकी से। आर्टिकल कहता है अच्छी बात है, इसमें कुछ नए प्रावधान भी जोड़े गए हैं, कुछ सेक्शंस एडवोकेट एक्ट 1961 और आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत बार काउंसिल का निर्माण किया गया था, और आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के तहत आर्किटेक्चर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। आर्टिकल कहता है ज़रूरी था, क्योंकि देखिए ये जो काउंसिल्स बनाई गई थी इनको कुछ काम दिया गया था, जैसे कि ये कोऑर्डिनेशन देखेंगे, हायर एजुकेशन के संबंध में स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अपने एग्जिस्टेंस में आने के बाद इन काउंसिल्स ने कभी भी हायर एजुकेशन के संबंध में कुछ किया नहीं। और ये सो कॉल्ड ऑटोनॉमस बॉडीज थी और इनके ऊपर कोई सुपर रेगुलेटर था नहीं, तो इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया इस संबंध में कोई भी रेगुलेशंस इम्पोज नहीं किया जा सके। आर्टिकल कहता है कि आज हमारे सामने सवाल है कि या जो ये जो काउंसिल्स बनाई जाती हैं, इनको काम सौंपा जाता है, ये अच्छे से काम करें ना करें, इसको देखने के लिए कोई सुपर रेगुलेटर होता नहीं, तो इन ऑटोनॉमस बॉडीज़ को महज बना देने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि जो पब्लिक गुड सर्व करने का ऑब्जेक्टिव इनको दिया गया था वो उसे भूल जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं, USA, वहाँ पर ऑटोनॉमस बॉडीज़ के ऊपर भी एक सुपर रेगुलेटर होता है जो उनके फंक्शंस को देखता है कि वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया में हेकी जैसे इंस्टीट्यूशन को बनाना तो ठीक है, लेकिन हमें उसके ऊपर एक सुपर रेगुलेटर की भी ज़रूरत है। आखिर हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कंक्रीट को टेस्ट करना है, ना कि इंग्रेडिएंट्स को या फिर सीमेंट को। हमें चाहिए कि हम देखें कि जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल हमने देखा। इंटरव्यू में देखते हैं आज हमारे पास क्या है। इंटरव्यूअर के सामने आप रेस्टलेसनेस ना दिखाएं, बेचैनी ना दिखाएं। इंटरव्यूअर को ये नहीं लगना चाहिए कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं या आप सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, मैरिज के संबंध में आपके क्या विचार हैं, स्पेशली इंडिया में मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है उसके संबंध में आपका ओपिनियन क्या है, उसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर जो हमारा डिस्कशन है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस डिस्कशन। थैंक्स अ लॉट।